वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ सोचने की बघारी फली। सोचने की बघारी फली के लिए मैं थोड़े सोचने की फलियों को कट करके रख ली। इसका ऊपर का जो छिलका रहता है उसको निकाल के कट कर लेना। और इसके लिए बड़े साइज के दो टमाटर लिए और एक मीडियम साइज की प्याज ली और एक मुट्ठी भर इमली को भीगने के लिए छोड़ दी और एक मुट्ठी भर चावल को भीगने के लिए छोड़ दी। सबसे पहले टमाटर प्याज को ग्राइंड कर लेंगे। एक बर्तन ली और ये टमाटर प्याज की ग्रेवी जो बनाई इसमें तेल डाली। अब तेल में डाल लेंगे ये। अब इसमें डालेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन, 2 टीस्पून मिर्ची है और 1 टीस्पून नमक है और थोड़ी सी 1/2 टीस्पून हल्दी है। अब इसको फ्लेम को तेज़ रखेंगे। अब टमाटर की जो ग्राइंड करके ग्रेवी डाले उसको पानी छूट के ये सूख जाए, अच्छा सरफेस पे अच्छा ऑयल आना। जब तक इसको कवर करके पकाएंगे 10 मिनट, बीच बीच में ढक्कन निकाल के मिला लेना। अब इसको क्या करेंगे, मोटा मोटा ग्राइंड करेंगे। इसके लिए 6-7 हरी इलायची और 3-4 हरी मिर्चियाँ, इसका दरदरा पेस्ट बना लेंगे। अब क्या करेंगे, जो सोजने की पल्ली है वो डाल देंगे। अब क्या करेंगे, सोजने की पल्ली डालने के बाद थोड़ी देर मसाले में बना लेंगे, पका लेंगे। जो टमाटर की गिरी हुई है उसमें थोड़ा भुनने में थोड़ी देर, बिल्कुल 1-2 मिनट काफ़ी है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अभी फली थोड़ी गलना, एक मुट्ठी इमली को भीगने के लिए छोड़ दी। अब इसका मीडियम खट्टा निकाल लेंगे, थोड़ा सा इसको अब इसका दरदरा पेस्ट बना लेंगे। अब इसको 10 मिनट अच्छे से पका दी और सोचने की फली सॉफ्ट करी, जो खट्टा निकाल के रखे थे वो डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर, रोस्ट करके पाउडर बना ली, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और थोड़ा सा 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1 मुट्ठी भर कोथमीर और 1 मुट्ठी भर करिया पाक। अब इसमें डालेंगे दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े बारीक थे 3 डाली और 1/2 टीस्पून डालेंगे शाह जीरा। अब इसमें अच्छे से उबाल आ गया, 4-5 मिनट अच्छे से उबाल आ गया। तो अब इसमें जो मैं चावल पीस के रखी थी उसका पेस्ट डालेंगे, दरदरा पेस्ट जो पीस के रखी थी। एक हाथ से डाल देना और एक हाथ से मिलाना, थोड़ा रुक जाना, इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेना। अगर बराबर है तो नहीं डालना, अगर ज़्यादा पतली दिख रही तो फिर थोड़ा सा डाल सकते हैं। अब फिल्म को धीमा कर देंगे। माशाल्लाह इसकी कंसिस्टेंसी बराबर है। तो इसको क्या करेंगे, 5-6 मिनट धीमे पे छोड़ देंगे। छः 7 मिनट में इसको धीमे पे रखी, ये अच्छे से दम हो गया और सरफेस पे इस पर ऑयल अच्छे से आ गया। कढ़ी हमारी बघारी सोचने की फली की कढ़ी हमारी तैयार है। बहुत मज़े की बनी, गरम गरम राइस के साथ, रोटी के साथ आप इसको सर्व कर सकते, बहुत टेस्टी रहती। और सोचने की फली की क्वान्टिटी जरिए अच्छी बढ़ के डालना, बहुत मज़े का होता। गरम गरम राइस के साथ आप झटपट इसको बना सकते हैं तले हुए गोश्त के साथ। फ्लेम बंद कर देंगे, इसको साइड में रखेंगे। कढ़ी के साथ कूटे हुआ गोश्त डालेंगे, कुछ लेवा गोश्त। इसके लिए मैं 1/2 किलो गोश्त लिया और उसको 2-3 पानी से अच्छे से धो ली। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक है, 2 टीस्पून अदरक लहसुन है, 2 टीस्पून लाल मिर्ची है, थोड़ी सी हल्दी है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, थोड़ी सी काली मिर्ची साबित है। नमक मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 मुट्ठी भर कोथमीर और 1 मुट्ठी भर थोड़ी सी मोटी, 1 मुट्ठी से थोड़ी कम पुदीना, 2-3 हरी मिर्चियाँ। अब इसको फिर एक बार अच्छा मिला लेना। अगर टाइम है आपके पास तो इसको 10-15 मिनट ढाक के रख देना। अगर टाइम नहीं है आपके पास तो आप डायरेक्ट पका सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के पपैया पेस्ट गोश्त को अच्छे से लगा लेंगे। अगर आपके पास पपैया पेस्ट नहीं है तो आप उस तरह से भी बगैर पपैया पेस्ट के भी गला सकते हैं, थोड़ा टाइम बढ़ के होता। अब इसको मैं उखली में कूट ले रही हूँ, चाहे तो आप ग्राइंडर में कूट सकते, पीस सकते या चॉपर में चॉप कर सकते। चलिए गोश्त हमारा कूट गया, अब इसको निकाल लेंगे। चलिए अब इसको फ्राई करेंगे। अब इसके लिए मैं कढ़ाई रख दी और इसमें डाली ऑयल।
इसको एक पैन में तेज तेल से पका लेंगे। एक इसको 5-6 मिनट में तेज़ फ्लेम पर पका लें मिलाते हुए। अब फ्लेम को धीमा कर देंगे और ढक्कन कवर कर देंगे और इसको 15 मिनट पकाएंगे धीमे पे। बीच बीच में एक से दो बार इसको मिला दीजिए। तो धीमे पे 15 मिनट तक ही फिर और इसका पानी सूख गया और ये गोश्त अच्छे से गल गया और पपई रहने से और जल्दी गला। अगर पपई नहीं डालेगा थोड़ा टाइम रख सकते, पानी सूखने के बाद भी नहीं गलेगा, थोड़ा सा पानी डाल के धीमे पर ढाक के गला लेना। तब इसको फ्राई कर लेंगे। चलिए माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही, सारे घर में इसकी खुशबू महक रही। अब इसको फ्लेम को बंद करके डिश में निकालेंगे। खट्टी दाल के साथ बना सकते, टमाटर की चटनी के साथ बना सकते, बहुत मज़ेदार बनता कुचले हुआ गोश्त। चलिए इसके साथ थोड़ी सी कटी हुई प्याज सर्व करना। चलिए मेरी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। आप पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।